लंगर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, इसके बारे में मैंने उनको बताया। उन्होंने एक बाइनरी नंबर दिया था मुझे, उसको कन्वर्ट करना था बाइनरी में। उन्होंने मीटू मूवमेंट के बारे में मुझसे बातचीत की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं पूछी थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंदौरी दीपेन भैया, और आज फिर से इंटरव्यू चल रहे हैं। आदरणीय मैम अभी अभी इंटरव्यू देके निकली हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं आदरणीय मैम से पूछेंगे। और इसके साथ ही मैम का एक अपना डाइवर्सिफाइड फील्ड रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो मैम से जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि जो एमबीपीएस रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, टॉपर्स की कॉपी हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ भी जाइए। आइए आदरणीय मैम से बात करते हैं। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम साक्षी राय है, मैं सिवनी जिले से बिलोंग करती हूँ। आप जैसे इंटरव्यू बोर्ड में गए थे, आपको कौन सा बोर्ड मिला था आपको? मेरा बी बोर्ड था, शर्मा, के शर्मा सर का बोर्ड था। मैम आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? मैं जैसे ही एंटर हुई सबसे पहले तो उन्होंने मेरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि आप किस जिले से बिलोंग करती हूँ, उसके बारे में बताइए। तो मैंने उनको बताया कि मैं सिवनी जिले से बिलोंग करती हूँ और उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है हिस्ट्री में, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, इसके बारे में मैंने उनको बताया। मैम जंगल सत्याग्रह थोड़ा सा बताएंगे? जंगल सत्याग्रह 1930 के समय जब नमक सत्याग्रह भी चल रहा था उस समय वहाँ पे चल रहा था, और जो सिवनी के जो लीडर थे दुर्गा शंकर मेहता, उन्होंने वहाँ पे मतलब जंगल कानून तोड़ के ये इसमें योगदान दिया था, इसके बारे में। जी, और आपसे मैम डेफ से क्या क्वेश्चन पूछे गए? डेफ में यही मेरा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस में, पहले तो उन्होंने यही बोला, अच्छा आप कंप्यूटर साइंस की छात्रा है? मैंने बोला यस सर। बाकी उन्होंने एक बाइनरी नंबर दिया था मुझे, उसको कन्वर्ट करना था बाइनरी में, उसके बारे में पूछा था। 1 to 9 एक नंबर था, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। तो आपने कैसा रहा था वो? वो तो मैं नहीं बन पाया था मुझसे, तो मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था, सॉरी सर। वो तो मतलब जैसे सॉरी बोलना भी कोई इशू नहीं रहता है? इशू नहीं है सॉरी बोलने में, कोऑपरेट करते हैं वो। ओके, बस फिर वहाँ पे वो खत्म हो गया, फिर अगले मेंबर जो थे उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने मीटू मूवमेंट के बारे में मुझसे बातचीत की। और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए आपसे? इसके बाद डेफ से तो मेरे डिस्ट्रिक्ट का पूछा था, और ये बाइनरी कंप्यूटर साइंस से। बाकी हाँ, मेरी हॉबी है नेचुरल प्लेसेस को विजिट करना, तो उससे पूछा था उन्होंने कि आप कहाँ कहाँ घूमी है वो बताइए। तो जैसे कान्हा नेशनल पार्क में घूमी हूँ, वन विहार नेशनल पार्क है, तो वो सब मैंने बताया था सर को। इसके अलावा उन्होंने और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजनाएं पूछी थी, 3 योजनाओं के नाम बताओ। तो मैंने लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और एकलव्य मॉडल के बारे में पूछा था। उन्होंने फिर एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में उन्होंने विस्तार से बताई, उन्होंने उसके बारे में पूछा। फिर अगले सर ने सनातन धर्म के बारे में पूछा था। हाँ। सनातन धर्म के बारे में अभी जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी कि मतलब साउथ इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उन्होंने उसको डेंगू कह दिया था, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था कि इसको क्यों बाकी लोग डेंगू बोल रहे हैं, और इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे, मतलब जनमानस में किस तरीके की अवेयरनेस फैलाई जाए कि इस तरीके की गलत फहमियां दूर हों। जैसे ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आप जो नए मेंबर्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर को फॉलो करिए, हर मंथली जो आ रहा है। इसके अलावा जो भी डाउट्स है वो टीचर्स हैं उनसे पूछिए, या अपने ग्रुप में अच्छे जो लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा उससे डिस्कस कीजिए, तो आपको क्लैरिटी होती है इन सब चीज़ों में। 3-4 साल का ये टाइम रहा था, 19 के बाद अभी इंटरव्यू हो रहा है, तो इस दौरान आपने आपको कैसे आपने मोटिवेट रखा? देखिए, ये तैयारी तो लंबे समय तक चलती है, तो एक इंटरनल मोटिवेशन ही आपको यहाँ तक पहुँचाता है, और आगे भी कोई मतलब कुछ सर्टेन नहीं रहती ना चीज़ें, तो इंटरनली आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन हो। अगर आपकी पढ़ाई में आप डिसिप्लिन हो, डेली रूटीन आप सही से फॉलो कर रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपका सिलेक्शन हो, शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।